जय हिंद दोस्तों, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पेंटागन ने अपने फिफ्थ जनरेशन के F-35 लाइटनिंग सेकंड स्टेल्थ विमान वेरिएंट पर AGM-88G हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी वजह से हम आपको बता दें कि अमेरिका का घातक F-35 अब और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। दरअसल लॉकहीड को नॉर्थ्रॉप ग्रूमन AGM-88G एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल के साथ फिफ्थ जनरेशन के F-35 के इंटीग्रेशन के लिए इनिशियल डेवलपमेंट वर्क को फाइनेंस करने के लिए पेंटागन के द्वारा 12 जनवरी को $97 मिलियन से अधिक मूल्य का एक अनुबंध दिया गया था। हालांकि हम आपको बता दें कि सर्विस में एक AGM-88E एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल भी है, जो नॉर्थ्रॉप निर्मित मिसाइल का पिछला कम दूरी का वेरिएंट है। हालांकि AGM-88G अमेरिकी शस्त्रागार में लेटेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दरअसल यह एक सटीक निर्देशित हथियार है जिसका उद्देश्य वायु रक्षा रडार को उनके विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन द्वारा पहचानना और नष्ट करना है। और साथ ही हम आपको बता दें कि लॉकहीड के साथ लेटेस्ट समझौता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और F-35 और साथ ही AAR-GMER विदेशी सैन्य बिक्री ग्राहकों द्वारा संचालित सभी 3 F-35 टाइप्स के लिए AGM-88G को इंटीग्रेशन को कवर करेगा। दरअसल हम आपको बता दें कि F-35 को अमेरिकी सेना में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है, लेकिन यह उस उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम हथियार ले जाने और उपयोग करने के लिए लैस नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो अमेरिकी सेना ने लगातार कहा है कि उन्हें वायुसेना के F-35A, मरीन कोर्प्स के F-35B और अमेरिकी नौसेना के F-35C पर एक इंटीग्रेशन किया जाएगा। हालांकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो लॉकहीड F-16 AGM-88 HARM जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। हालांकि वहीं अगर बात करें तो AGM-88G एक एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि AAR-GMER एक हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जो वायु रक्षा खतरों का तुरंत मुकाबला कर सकती है और साथ ही सीमा को बढ़ाने के लिए एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज एक नई ठोस रॉकेट मोटर जोड़कर AGM-88E और AAR-GM में किए गए पहले के निवेश का उपयोग करता है। दरअसल AAR-GMER जिसका विकास साल 2016 में शुरू हुआ था, AGM-88E AAR-GM की वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड को जोड़ता है। हालांकि अगर बात करें तो AGM-88E की मार्गदर्शन प्रणाली और वारहेड का उपयोग करते हुए AGM-88G AAR-GMER एक ठोस एकीकृत रॉकेट रेम जेट इंजन के साथ AGM-88E की सीमा को दोगुना कर देता है, क्योंकि इसमें एक आंतरिक गाड़ी और 11.5 इंच रॉकेट मोटर के साथ एक पूरी तरह से नया नियंत्रण अनुभाग है जो लॉकहीड मार्टिन F-35A और F-35C लाइटनिंग सेकंड संयुक्त स्ट्राइक फाइटर की दोगुनी रेंज प्रदान करता है। दरअसल हम आपको बता दें कि AAR-GM मिशन दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने और नष्ट करने के लिए है। इसके प्राथमिक लक्ष्य पुनः स्थापित करने योग्य इंटीग्रेशन वायु रक्षा लक्ष्य और शट डाउन रणनीति का उपयोग करने वाले लक्ष्य है, जिन्हें मल्टी मोड साधक के माध्यम से बेअसर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।